हाँ जी बेटा, वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दैट एनी जर्नल सीरीज जो है ऑफ एपी जो है, सीक्वेंस या सीरीज आप कुछ भी लिख सकते हो, सीरीज ऑफ एपी कैन बी रिटर्न एज बेटा ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, सो ऑन। लास्ट अगर हम देखें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ये हमारी जनरल सीरीज है जिसमें ए फर्स्ट टर्म होती थी, डी कॉमन डिफरेंस होता था, और एनथ टर्म वी कैन राइट इट एज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने सारा जो है बेटा किया था। ओके, तो अब बेटा हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने सम निकालना है किसका, एन टर्म्स ऑफ एन एपी। वी विल लर्न दिस कि हमने अगर ये 7 टर्म्स है या 10 टर्म्स है, जितने भी टर्म्स है, इनका सम का फॉर्मूला क्या। ये हमारा आज का टॉपिक। ओके, इसका सम का फॉर्मूला जो है हम लोग कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद दैट। मैं ऊपर लिख रही हूँ, हमने डेरिवेशन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने सिर्फ बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लर्न करना है, तो डेरिवेशन हम बड़े इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं आपको इसको ड्राइव करना भी बताऊंगी कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो बेटा इसका एस हम बेस में एन लिख देते हैं, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। व्हाट डज इट मींस, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम लेना है। ओके, ए फर्स्ट टर्म मेरे पास एंड डी कॉमन डिफरेंस, एन तो पता ही है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, लेट अस सी व्हाट दे मेंशन्ड हियर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट जो है 22 टर्म्स, उन्होंने कहा फर्स्ट 22 टर्म्स यानी 22 क्या दे दिया मेरे पास, एन दे दिया बेटा एन, कि 22 टर्म्स का सम लेना है ऑफ एन एपी। क्लियर कट, ये सिर्फ फॉर्मूला एपी में लगता है और किसी में नहीं लग सकता। 8, 3, -2, सो ऑन, ये एपी। और मुझे सम कैलकुलेट करने के लिए आई नीड ए, आई नीड एन, आई नीड डी, एन मुझे दे दिया। अब मुझे फर्स्ट टर्म, आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टर्म, ए मेरे पास क्या हो गया बेटा 8। ओके, अब व्हाट आई नीड, आई नीड डी। आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 - T1। T2 क्या है, सेकंड टर्म। आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, आगे चलती जाती है ना, तो T2 - T1 यानी 3 - 8। आंसर कितना आया, -5। अब मुझे क्या कैलकुलेट निकालना है, एस 22, उसने कहा था ना सम ऑफ 22 टर्म्स कैलकुलेट कर। तो बेटा 22 टर्म्स मतलब एन की जगह मैं 22 पुट करूंगी, ए की जगह पे 8 पुट करूंगी, प्लस एन की जगह पे 22 - 1 फॉर्मूले में, और डी डी कितना बेटा -5। ओके, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये कट किया तो 11, 11 और 8 टू द 16, दिस इज 21 इंटू -5। नाउ 11, 16, लेट अस सॉल्व इट प्रॉपरली। हाँ जी, 16 - 5, 10। अब इसको माइनस करो, 105 में से 16 माइनस किए, मेरे पास 15
और इधर 9, ये 8 आ गया, और इधर मेरे पास कितना आया 9, तो कितना आया 89 माइनस 89, 11 इंटू माइनस 89, इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। बात समझ आई बेटा, क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया, हम इस फॉर्मूले को ना चेंज भी और दूसरी फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे, लेट अस सी कि कैसे इसी फॉर्मूले को मैं चेंज करने लगी सेकंड फॉर्मूले, ठीक है? एक तो इससे हमने क्वेश्चन कर लिया, तो इसको और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मैं क्या करूं बेटा, यहाँ पर मेरा ए को ब्रेक कर दू, 2a है, तो आई कैन राइट 2a एज, मेरे पास तो है n by 2 a plus a, ऐसे लिख सकती हूँ मैं बेटा। ओके, अब जब मैंने a plus a लिखा, अब ये क्या बनता है आप मुझे बता सकते हो, आप में से कोई भी, anybody from you? ओके, वेरी गुड, हाँ जी, यस बानू, यस बानू बेटा, क्या है ये मेरे पास? मैम ए एन का फॉर्मूला है। वेरी गुड, ए एन, या हम इसको लास्ट टर्म भी तो कहते हैं, जो हमारे पास तो है, अगर एन टर्म्स है तो वी कैन कॉल इट एज लास्ट टर्म, है ना? तो अब दैट मींस हम इसकी जगह एल भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट ए एन वेयर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एन है ना। तो ऑब्वियस है ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया। Either we can apply this or we can apply this. ये तब लगाते हैं जब मेरे पास बेटा first and last term दिया और n दिया, series दी है, तो हम सीधा ये भी लगा सकते हैं, ये आप पे depend करता है, depending upon the things given to you or you want to get it. समझ आई बात बेटा? कोई doubt तो नहीं यहाँ तक किसी को? Okay? अब इसी के रिलेटेड, अब यही चीज बार बार यूज होनी है हमारी एक्सरसाइज में, और कोई बड़ी चीज है ही नहीं, पूरे चैप्टर में ओनली 3 फॉर्मूले आ गए, टी एन एस एन के 2 फॉर्मूले बस, और कुछ भी नहीं। अगर आप देखोगे, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन, देन यू कम टू नो, ठीक है, कि इसमें हमारे पास जो है वो क्या क्या। ओके जी बेटा, चलिए लेट अस स्टार्ट, मैं फॉर्मूला लिखे रहने दूंगी साइड पे, ताकि आपको पता चले कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी और हम क्या क्या करेंगे। जो है आई विल राइट द फॉर्मूला ऑन दिस साइड, एस एन एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ओके, एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो एस एन का एन बाय टू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बस यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं ना, जो प्रॉब्लम बच्चों की क्या आती है, उन्हें ये नहीं पता चलता वो लास्ट टर्म दी है कि वो एन की वैल्यू दी है, यहाँ बच्चे गड़बड़ी करते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज जो है 5.3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट? दे राइट फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, उन्होंने ये तो 100% कह दिया कि एपी है ना, तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, 2, 7, 12 सो ऑन टू 10 टर्म्स, अब दे दिया सो ऑन टू 10 टर्म्स, व्हाट डज इट मींस, ये क्या गिवन है? This is given n, not the nth term. देखो terms लिखा है ना, यहां से भी पता चल जाता है, अगर लिखा होता ना 10th term लिखा होता, वो जो term दी होती last term जो भी, ठीक है? तो अब देखो n is equal to 10, ये मुझे पता चल गया, a I am aware of this, that is 2, and d I am aware of t2 minus t1. 7 minus 2, that is 5. ओके, तो अब बेटा क्या करें, एस एन का फॉर्मूला लगाना, कैसे लगाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिसम
यस बिसम अनम्यूट योरसेल्फ. a by 2 plus 2a plus n minus 1 by n minus 1 times 3. वेरी गुड. तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए बिसम. बिसम वैल्यूज पुट कीजिए बेटा. a is firstly a is 2. बेटा a तो 2 है, हमने यहां से स्टार्ट करना है. इन द ब्रैकेट एनी बेटा n by 2. यस 5. 10 by 2. 5 and then bracket. 2 into 2 plus 9. Very good. Into 5. 5. क्योंकि यहाँ 10 minus 1 put किया, तो it become 9. अब बेटा आगे तो इसको solve ही करना है. 4 plus 45 and this is 5 into 49 and multiply 5, 4 and 245 is the answer. Clear to everybody? सबको बात समझ आ गई बेटा? ओके चलो मूव टू वर्ड जो है आपका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क. ओके डू द होमवर्क प्रॉपरली बिकॉज द कॉपीज विल बी चेक्ड बेटा. क्लियर? क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट और सॉरी fourth part we will do, second and third part to way that is your homework. Okay, so for that what is given? 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10, mere paas to way, so on up to 11 terms. Next, Daksh beta. Aaj Daksh, unmute yourself. दक्ष अनम्यूट योरसेल्फ. क्या हुआ मैम? बताइए फर्स्टली, मुझे बताइए बेटा ए क्या है यहाँ पर? ए 1 by 15. देन व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट द सम? व्हाट अदर टर्म्स? सम सम मैम उधर दिया आपने क्या? 11 है. हाँ 11 है, वो n हो गया. Okay. n by 2 plus n minus 1 into d, तो वो वाला फॉर्मूला लगा के आ जाएगा. बेटा d बताइए मुझे क्या होगा? d d 1 by 12 minus 1 by 15. Okay, good. 1 by 12 minus 1 by जो है 15 मेरे पास तो है. बिल्कुल दक्ष ने क्लियर कट बताया मेरे पास तो है. तो अब हम करते हैं यहाँ पर मेरे पास तो है सॉल्व करते हैं. हम एलसीएम लेते हैं. अगर आपके पास टाइम नहीं है आप ऐसे भी लिख सकते हो फटाफट, ठीक है? उसे जल्दी हो जाता है. 3 by 12 into 15, ये देखिए 5 और आंसर इज मेरे पास 1 by 60. सीधा भी एलसीएम 60 लेना, सीधा ले लीजिए. ओके तो डी 1 by 60, ए इज दिस, एन इज दिस. नाउ अप्लाई एस 11. ओके बेटा so that is 11 by 2, 2 into a plus mere paas 11 minus 1 10, 10 into d. aur d kitna calculate kiya tha? 1 by 16. cancel it. now 11 by 2, 2 by 15 plus 1 by 6, I think you are able to solve it and get your answer. okay, clear beta? theek hai, let us start with the next. अब देखो यहां पर क्लियर कट आपको एन दिया हुआ था. क्लियर कट दे मेंशन कि 11 टर्म तक करना है या 12th टर्म तक सम निकालिए. अब जरा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ना, व्हाट इज रिटन इन द सेकंड क्वेश्चन. ओके एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चन, व्हाई दे गिव यू द अदर क्वेश्चन, है ना? बाकी पार्ट इसी क्वेश्चन में भी हो सकते थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर दे मेंशन? फाइंड द सम given below. okay, इसका सम कैलकुलेट करना. दे आर नॉट मेंशनिंग इट कि ये एपी है, क्योंकि आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो हमें पहले देखना पड़ता है whether it is AP or some other series. okay, so on up to 84. आपको बताइए यहाँ लिखा है 84 terms, terms word is not mentioned.
नहीं लिखा ना, तो दैट मीन्स दिस इज द लास्ट टर्म गिवन टू यू, दिस इज टी एन 84, मुझे एन नहीं दिया, ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, एन इज नॉट मेंशन्ड हियर, हियर इट इज द लास्ट टर्म, बाकी प्रोसीजर सब सेम है, ए इज गिवन टू यू 7, ओके, अब डी निकालना, 10, 1/2 माइनस 7, दैट मींस 21/2 माइनस 7, और 2 एलसीएम 21 माइनस 14, 7/2, डी आ गई, अब मुझे तो एंड चाहिए ना, बिकॉज इन ऑर्डर टू अप्लाई, क्योंकि चाहे मैं ये फॉर्मूला लगाऊं या मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, मुझे दोनों में एंड चाहिए, आई नीड इट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट दक्षिता, इट्स योर टर्न बेटा, दक्षिता मैम, एस एन ओवर एन ओवर टू ब्रैकेट में ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिस में एन की वैल्यू दी नहीं हुई तो वो अभी नहीं लिखेंगे, तो ए की वैल्यू दी हुई है 7 और लास्ट टर्म हमारी दी हुई है 84, तो एन कैसे निकालेंगे, और एस एन मैम 7/2 लिख सकते हैं, नो नो नो, एस एन इज नॉट 7, बट मैंने तो यहाँ बेटा डी लिखा है, दक्षिता हाउ इफ यू आर राइटिंग हियर डी, हाउ यू कैन पुट एस एन एज 7/2, एस एन तो हमने कैलकुलेट करना बेटा, है ना, चलो लेट अस सी कि वेरी इजी है, आप लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हो, भानु यस बेटा, मैम एन ए एन वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ए एन 84 दिया हुआ, बिल्कुल एस एन जो है सॉरी एन जो है हम टी एन या ए एन के फॉर्मूले से, यू नो इट, टी एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, दैट इज 84, देखो ए मुझे पता है 7 है, एन मुझे नहीं पता है, डी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ओनली वन थिंग इज लेफ्ट है एन, आई कैन कैलकुलेट एन फ्रॉम हियर, हाउ एन माइनस 1 7/2, ये माइनस करूंगी उधर जाके, तो 84 में से माइनस हुआ तो ये 77 आए, तो एन माइनस 1 77, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हुआ तो रेसिप्रोकल हो गया 11, तो ये 22, n माइनस 1 इज 22, तो बेटा ऑब्वियस है n की वैल्यू मेरे पास 23 बन गई बेटा, ओके, अब n 23 आ गया, ये देखो सिर्फ यहाँ लास्ट टर्म मैंने n कैलकुलेट करने के लिए यूज किया, ओके, अब मैं यूज कर सकती हूँ sn, आई कैन नाउ यूज दिस वन और दिस वन, इट इज टोटली अप टू यू, कोई भी दोनों में से मुझे पता चल गया एन 23 है, तो 23/2 ए, ए इज 7 एंड एल, एल मतलब लास्ट टर्म, तो 84, चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ा, बात सबको क्लियर हुई बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चले आगे, ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट नाउ, ओके, इसी का बेटा पार्ट है मेरे पास, सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, ओके, इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट होमवर्क, आई एम डूइंग थर्ड पार्ट फॉर यू, ओके, ऑल क्वेश्चंस आर सेम इफ यू सी, -5 प्लस, -8 प्लस, -11 प्लस, so on up to -30, हाँ जी, next term जो है, दीक्षांत अनम्यूट योर सेल बेटा, हाँ जी दीक्षांत, दिव्यांश, दिव्यांश अनम्यूट योर सेल, दिव्यांश अनम्यूट योर सेल्फ, यस दीक्षांत, हाँ जी अनम्यूट योर सेल्फ अगेन, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी, चलिए, हाँ जी दिव्यांश, दिव्यांश वेद अनम्यूट योर सेल्फ बेटा,
Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Tell me how to solve this question. Ma'am, first of all, ma'am, जो minus five, minus eight, plus का sign लगा हुआ है, फिर तो उसी को सही कर लेंगे. उसके बाद a हमारे पास minus five आ जाएगा. हाँ जी. उसके बाद d होगा minus eight, minus five. हाँ. वो हो जाएगा minus. यही से गलती की. Minus eight, minus minus five. क्योंकि हमारे पास p two minus t one होता है, तो t one already negative है. तो माइनस एट प्लस फाइव, दिव्यांश आंसर इज माइनस थ्री. ओके यस मैम. आना नाउ नेक्स्ट स्टेप मैम. फिर एन टर्म हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एन ले लेंगे. ओके और मैम लास्ट टर्म हमारे पास 230 है, माइनस 230. वेरी गुड. उसके बाद एन टर्म का फॉर्मूला भर देंगे ए प्लस एन माइनस वन डी. ओके वेरी गुड. आफ्टर देन सॉल्व करेंगे मैम, ए 5 माइनस 5 होगा, एन उससे एन आ जाएगा मैम. ये करते हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है दिव्यांश. तो मेरे पास जो है इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस 5 हो जाएगा. जब प्लस 5 करूंगी तो माइनस 2 टू 5 आ जाएगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास एन माइनस 1 जो है बेटा आई विल गेट माइनस 2 टू 5 ओवर माइनस 3. Negative cancel, 7 and 5. तो n की वैल्यू बिल्कुल सही बेटा, n की वैल्यू 76 बन जाएगी क्योंकि ये माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा. n आ गया. नाउ आई कैन अप्लाई s 76 इज 76 बाय 2a. दैट मींस फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज माइनस 230 एंड आई कैन यूज हियर. फर्स्टली मैं 2 से कटिंग कर देती हूँ, 2 3 द 6 एंड देन 2 8 का और ये माइनस दैट इज 235. दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. ओके वेरी गुड दिव्यांश. ठीक है चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट बेटा. हाँ जी नेक्स्ट ईशाप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. हाँ जी ईशाप्रीत tell me how we can do the next question. All other questions are same. Whatever we have done in question number 1 and question number 2 na beta, all the concepts are used in question number 3. Very easy to do that. Tell me ईशाप्रीत question number 3rd, first part A is given to you 5 and D is given to you 3 and here it is written AN, that is 50, find N and SN, they mentioned. Then tell me, Shabrit, how to do this, beta? Jaldi bataiye. Ma'am, jaun sa N hai, wo formula lagega, A plus N minus 1 D, ye wala formula lag jayega. Very good. Aur values hum put kar denge. Okay, to phir kya aa jayega, mere paas, Shabrit? वहां से सॉल्व करना करो जल्दी, सारे बच्चे करो जल्दी 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 कीजिए सारे बच्चे. एंड रेज योर हैंड दोज हु हैव डन इट. ओके ओके दिव्यांश हैज डन इट वेरी गुड. लेट अस डू. मुझे ईशाप्रीत ने कहा कि मैम ए एन का फॉर्मूला यूज करें तो ए प्लस n minus 1 into d that is 50, a की value 5, n I need to calculate and d is directly given to me 3, I put the value then n minus 1 into 3, I transpose 5 here, 50 minus 5, 45, then 3 is multiply here, so I divide karungi. Good Navya, if you have done, so 3 se divide karenge, 3, 1 da, 3, 5 da. N is 16. Check it whether you get the N 16 or not. Anji Navya, whether you get the N as 16 or not? Yes, ma'am. Good. Very good. After then, Navya, what will you do? Ma'am, SN ka formula laga denge. N by 2 bracket mein A plus L. A plus L. Okay. Tell me, what value you have to put in? N humne find kar liya 16. A हमें गिवन है 5 और L भी गिवन है 50.
Very good. Now it is 8 into 55, multiply it and get your answer. Very good. Okay, very good, Navya. Okay. ऐसे मजा आता है when you go all are active in the class और आप बोलते हो आंसर बताते हो तो बहुत enjoy करते हैं हम लोग इसको कि all students are active. Let us do now the question number third second part. Okay, for that beta it is given A is 7 and A 13 is 35. And I need to calculate D, I need to calculate S13, sum of 13 terms. Okay, next turn, Gia, roll number 19, sorry. Gia, unmute yourself, beta. Gia, unmute yourself. Hurry up, beta. Ek baar teacher name liye, to jaldi jaldi unmute ho jaya karo. Jaldi. Gia, roll number 19. हाँ जी चलो जिया नेक्स्ट ईयर रोल नंबर 20 जिया रोल नंबर 20 यस मैम हाँ जी बताइए बेटा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मैम पहले एन निकाल लेंगे हम एन व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट एन एन तो मुझे जरूरत ही नहीं लगता है जिया ध्यान से देखिए बेटा मुझे सम मुझे अच्छा बताइए इफ यू नीड टू कैलकुलेट जिया एस 13 देन विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई हियर बेटा सोचिए जरा n/2 n क्या n जो s n होता है ना यहां n कितना दिया बेटा 13 देन व्हाट यू हैव टू से 13/2 ना यस मैम है ना आगे क्या करेंगे जिया 2a ओके प्लस एन माइनस वन तो एन कितना 13 माइनस वन वेरी गुड इनटू डी अब प्रॉब्लम ये है ए मुझे पता है डी मुझे नहीं पता अब डी कैसे निकालो बेटा ए की जगह पे तो मैं नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पर 7 पुट कर दूंगी द प्रॉब्लम इज विद डी जी अब कैसे निकालो डी कोई चीज है कि मैं यूज कर सकूं ओके रिदम यस रिदम बताइए बेटा रिदम यस मैम पहले ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35 ए की वैल्यू दी है फिर सॉल्व कर देंगे वेरी गुड आप खुद सोचिए ना देखिए हमने ये तो कहीं यूज ही नहीं किया कहीं ना कहीं तो इसकी इम्पोर्टेंस होगी ना इफ एनीथिंग इज गिवन टू अस तो 100% इसको यूज करेंगे तो a प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35 और a की वैल्यू 7 है और 12 इनटू डी मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ से तो 12 डी ये माइनस करूंगी तो 28 आया तो d की वैल्यू मेरे पास 28 जो है बाय 12 एंड इफ आई कैलकुलेट इट 4 3s एंड मेरे पास हो गए 4 7s तो d की वैल्यू आ गई 7/3 तो मैं पुट कर देती हूं यहां पर 7/3 बस d भी निकल गया ना जो उन्होंने पहले कहा था मेरे पास और 4 आया उसके बाद 13/2 14 प्लस दिस इज 28 एंड 13/2 और ये कितना आया 12 142 और ये कटिंग कीजिए 21 13 मल्टीप्लाई 21 यू विल गेट योर आंसर क्लियर टू एवरीबॉडी दक्ष एनी प्रॉब्लम अदरवाइज लोअर योर हैंड बेटा हाँ जी बोलिए दक्ष दक्ष एनी प्रॉब्लम बेटा कुछ नहीं मैम हाँ जी तो मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो है वो सेम है दैट इज योर होमवर्क ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट दैट इज योर होमवर्क ट्राई टू डू इट ओके
तो मेरे पास हो गए. Now we will start with the beta next part. Okay? तो मेरे पास हो गए. क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ पार्ट में. ओके, तो वी विल डू दिस. अब इसके लिए मेरे पास जो है क्या है, ए थ्री दैट इज 15 एंड एस 10 जो है 125. आई नीड टू कैलकुलेट डी. आई नीड टू कैलकुलेट बेटा ए 10. ओके, ए 10 आई नीड टू कैलकुलेट. देखिए ये चैप्टर ऐसा है जिसमें मेरे पास जो है अगर देखा जाए, दिस विशाल चाइल्ड इज नॉट इन माय क्लास. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फर्स्टली ऑन योर वीडियो, आफ्टर देन आई विल स्टार्ट आस्किंग यू योर प्रॉब्लम. ओके, चलिए बेटा मेरे पास जो है ए 10. अब देखिए मेरे पास D है, A 10 है. अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले बेटा A3 का फॉर्मूला लगाएं. A plus 2D is 50. ओके, नाउ अब ये तो A ही है, इसमें A और D दोनों मेरे पास अननोन वेरिएबल है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती. आई मार्क द सिचुएशन एज मार्क. नाउ S10. अब S10 का मतलब क्या मेरे पास, सम ऑफ n 10 टर्म्स. क्या फॉर्मूला होता था, 10 बाई 2 2a प्लस है ना n माइनस. अब n कितना है, 10, 10 माइनस 1 9d दैट इज 125. ये कट गया 5. ये 5 सारे के साथ मल्टीप्लाई है ना, उधर जाके डिवाइड कर दो तो 2a प्लस 9d. जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 25 आ गया. ओके, अब बेटा देखिए फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकंड इक्वेशन इज दिस. अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगी और ए और डी निकल जाएगा तो देन आई कैन कैलकुलेट दिस टू. तो अब सबसे पहले क्या करें, अब ये आप पे डिपेंडेंट है. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के हमने मेथड की, चाहे तो ए यहां से निकालिए अब इधर पुट कीजिए या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. इट इज टोटली अप टू यू बेटा. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने ए कैलकुलेट कर दिया 15 माइनस 2. आई एम पुटिंग हियर 2 15 माइनस 2 डी प्लस 90 25. आई एम पुटिंग हियर. अब मेरे पास यहां पर क्या बचा, व्हाट आई एम गेटिंग हियर 30 माइनस 4 डी 90 25. अब मेरे पास क्या आया बेटा, 30 प्लस 5 डी दैट इज 25 और 5 डी इज इक्वल टू माइनस 5 और ऑब्वियस है मेरे पास जो है डी की वैल्यू बेटा माइनस 1 आ. ओके, अब डी आ गया, अब मुझे क्या चाहिए ए, तो यहां पर पुट कर दीजिए डी की वैल्यू. तो ए इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो मेरे पास 15 प्लस 2 तो ये 17 होंगे. अब बेटा D निकल गया, A 10 चाहिए तो A 10 इज A प्लस 90. अब A 17 है, 9 इंटू माइनस 1 तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 17 माइनस 9 आंसर इज जो है 8. दिस इज A 10. ओके बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है. अब आपका होमवर्क है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3 फुल. ओके, वी विल आई विल ओनली टेक द प्रॉब्लम्स टुमारो. क्वेश्चन नंबर 3 फुल फ्लेज आपका होमवर्क है, मैंने सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है. ओके बेटा, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा.